हेलो दोस्तों गुड इवनिंग मेरा नाम है सुमित राठी माइक तो पहना ही नहीं है ओके okay. सो so, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे गुड इवनिंग एवरी कैसे हो एक बार फटाफट से यार सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो पाए उनको पता चल पाए कि क्लास अपनी शुरू हो चुकी है गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग ओके अंकुश बी पंचवल ठीक है थैंक यू आप पंचवल रहते हैं नहीं हो सकता यार थोड़ा बहुत ये ह्यूमन एरर है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एक्चुअली माइक वाइक ठीक है पी लगाना थोड़ा नहीं हो सकता ठीक है माफी चाहता हूँ आपकी असुविधा के लिए बट खेद है मुझे कि थोड़ा बहुत टाइम ऐसे हो जाएगा ठीक है आपको अगर दिक्कत है तो आप मत देखिए ठीक है तो मैं पंचुअल हूँ बिल्कुल पंचुअल हूँ बट थोड़ा बहुत ऊपर कसम नहीं खा रखी होती यार थोड़ा बहुत लेट हो जाता है एंड वो लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे काम आप आप नहीं समझ पाओगे क्या क्या की चीज़ें करनी पड़ती हैं है ना आपको बस वो लिखना होता है वो टाइप कर दिया हो गया है ना सो so, नहीं हो पाता ठीक है और नहीं कर पाऊंगा है ना कोशिश मैं करूंगा बट एग्जैक्ट वो टाइम जो आप चाहते हो कि टिक आप एक टिक पे हाजिर कर दो वो मैं नहीं हो पाऊंगा आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट ठीक है इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन स्किप दिस सेशन आप छोड़ सकते हो आप वहां देखिए जहां पंचुअलिटी ज्यादा हो ठीक है चलिए गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सारे के सारे बढ़िया होंगे

फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा फिजियोग्राफी जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके आपका जो कमेंट्स आपका आपका जो, आपका जो आ, मेरी प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हो सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों के दोनों पार्ट जो है हम वहां पर कर चुके हैं गो गो यू कैन एंड वॉच लेक्चर्स आप जाके यहां पर देख सकते हो ठीक है इंडियन ज्योग्राफी का पॉलिटिकल फिजिकल हम यहां पर देख चुके हैं इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे अगर मैं आपकी तो हमने आपका इसका पूरा का पूरा ड्रेनेज पैटर्न जो है

बट जैसा आपसे मेरी बात हुई थी सर मानसून पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी अन्य चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा बहुत सारे बेसिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे लास्ट क्लास में मैंने एक आपको क्वेश्चन भी दिया था आई होप आप सभी वो क्वेश्चन जो है वो करके आए होंगे देखते हैं कितना आपने किया है नहीं किया सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं सो so दोस्तों ये पूरे का पूरा सीरीज जो है हमारा ये यूपीएससी सीएससी के लिए है यूपीएससी सीएससी ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी बाईस तेईस चौबीस सबके लिए सेम रहेगा क्योंकि यार मानसून जो है ये फैक्चुअल चीज है ये कभी चेंज होने वाली है नहीं ये हमेशा कह रहेगी दोस्तों आपका सेम रहेगी ये कभी चेंज होने वाली है नहीं तो आप आराम से आज भी पढ़ोगे तो ये आगे दस साल तक के लिए आपके लिए क्या होगा दोस्तों ये रेलिवेंट होगा सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस आप पढ़ोगे काम आएगा आपको सुमित टेन ये मेरा कोड है दोस्तों इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द टेन परसेंट ऑफ ऑन एन अकेडमी जो है आपको एक और माध्यम जो है एक और प्लेटफॉर्म जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म कौन

उंट so, के तो मिलेगा Second, अगर मैं हाँ पर बात करता हूं, की पूरी तैयारी में देखो गाइडेंस का एक अपना ही रोल होता है आई विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस अगर आप कोड यूज करते हैं क्या सुमित आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं. इस पूरी प्रोसेस में तो आप कोड क्या यूज कर सकते हो दोस्तों को न ईयर आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो याद रहे कोड आप क्या यूज करोगे दोस्तों you have to use the course, 10. अभी वर्तमान में क्लाइमेट चेंज का कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है वर्ल्ड जोग्रफी का कोर्स भी वहां पर आपको मिलेगा जब आप सुमिट टेन कोड का यूज करके आओगे मेरे ये, ये कोर्सेज है जो आपको ऑलरेडी अकेडमी में करा चुका हूँ आपका फिजिकल जोग्राफी उसके बाद में इंडियन ज्योग्रफी उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोलॉजी नंबर ऑफ आर देयर आप आ सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बस आपको कोड यूज करना है कोड इज द सुमिट टेन मेरा कोड क्या है दोस्तों 10. आप कोड का यूज करेंगे एंड यू विल गेट टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट एंड जो जो बच्चे 10 यूज करेंगे उनको मैं कंप्लीट थ्रू आउट द प्रोसेस में क्या करूंगा दोस्तों गाइड करूंगा पूरी प्रोसेस में गाइडेंस का जिम्मा जो रहेगा वो मेरा रहेगा आपको गाइड करने की जिम्मेदारी मेरी लास्ट क्लास में हमारी थोड़ी बात हुई थी मैं रिकैप करता हूं जल्दी से इंडियन क्लाइमेट के बारे में मैंने बात की थी सो हमने कहा था देखो यार इंडियन क्लाइमेट को मैं दो आधार पर विभाजित कर पहला लोकेशन और दूसरा विंड पैटर्न लोकेशन के आधार पर हम भारत के क्लाइमेट को सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कटिबंधीय जलवायु और विंड पैटर्न के हिसाब से हम कहते हैं मॉनसून टाइप मॉनसून क्या है दोस्तों मॉनसून एक वर्ड से बना है मोसिन मोसिन जो है एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है सीजन सो so, मानसून शब्द का मतलब ही क्या होता है दोस्तों सीजन इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे अब देखो इतना मुझे पढ़ना है ना अब मुझे ये पढ़ना है तो देखो अब यहां दो तीन वर्ड आ गए जो मुझे समझने में दिक्कत हो रही है सर मुझे सब ट्रॉपिकल नहीं पता मुझे सब ट्रॉपिकल नहीं पता मुझे टेम्परेट नहीं पता मुझे इक्विटोरियल नहीं पता जब नहीं पता तो ये कैसे करोगे आपको पता ही नहीं उष्ण कटिबंधी क्या होता है तो ये आती है बेसिक्स, बेसिक्स की बात है ना आपको नहीं पता कि विंड पैटर्न क्या होता है ट्रेड विंड क्या होती है नहीं पता आपको ठीक है वेस्टर्लीज क्या होती है होती है सी जेड क्या होता है ठीक है आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता और जब आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो यहीं से बात उठती है आपकी बेसिक्स की

फैक्टर के बारे में देखना पड़ेगा जो आपका क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं वो प्रभाव वो आपके तथ्य है वो कारक जो आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा हमने यहां से देखा था तीन फैक्टर है मेरे पास टेम्परेचर रेनफॉल और प्रेशर बेल्ट ठीक है तापमान वर्षा और वायुदा पेटियां लास्ट क्लास में हमने शुरू किया क्या था टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है सर टेम्परेचर इज नथिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस डिग्री ऑफ कोल्डनेस कोई चीज कितनी गर्म है कोई कितनी ठंडी है सिंपल उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों आपका उसको हम बोलते हैं आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान अब टेम्परेचर भी ना अलग अलग चीजों से प्रभावित होता है यहां पर देखो लैटिट्यूड हो गया ऑल्टीट्यूड हो गया कॉन्टीन स्लोप वेजिटेशन आपका ओशियन करंट उसके बाद क्या है दोस्तों एयर करंट सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच एफेक्ट्स द क्लाइमेट आप समझना बहुत बहुत क्लियर

तापमान से टेम्परेचर तो so, शुरू हुआ था टेम्परेचर क्या दोस्तों सिंपल हमने बात की थी सर टेम्परेचर इज नथिंग बट इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस कोई चीज कितनी गर्म है और कोई चीज कितनी ठंडी है उसी को हम क्या कहते हैं आपका तापमान कहते हैं तापमान के भी कुछ फैक्टर्स थे जो इसको अफेक्ट करते थे सबसे पहला था मूव फ्रॉम लोअर ऑल्टीट्यूड अभी ऑल्टीट्यूडीट्यूड होता क्या कल मैंने बताया था आपको, है ना? क्या होता भाई देखो ये पृथ्वी है तो हॉजोटल लाइन होती है those, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड थे जो हम जानते थे जैसे जीरो डिग्री भूमध्य रेखा उसके बाद ट्वेंटी थ्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके Circle, इस सारे के सारे हमने दोस्तों कल बात की थी तो मैंने बात की थी किस प्रकार से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा अक्षांश बढ़ता है तो तापमान क्या होता है घटता है वाई बिकॉज बिकॉज ऑफ दी सन रेडिएशन मैंने आपको कल बताया था देखो ये आपका सन का पैटर्न है पूरे वर्ष भर में सूरज की किरणें किस किस स्थान पर लंब पड़ती हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी हमने बताया था जीरो डिग्री पर कब होता है सूर्य का प्रकाश इकतीस मार्च इक्कीस मार्च को और तेईस सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहां पर भूमध्य रेखा पर साथ ही आपकी सूर्य की किरणें आपकी लंब पड़ती है कहां पर दोस्तों साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ 21 जून को कहा होता है कर्क रेखा पर और आपका 22 दिसंबर को कहा होता है दोस्तों आपका मकर रेखा पर यह सन का प्रकाश है सूर्य का प्रकाश है जो लंब पड़ता है मतलब परपेंडिकुलर पड़ता है लास्ट क्लास में बात भी हुई थी आप लोगों ने बताया था मैंने आपसे पूछा था कि बताओ सूर्य का प्रकाश लंब पड़ेगा तब ज्यादा तापमान होगा या तिरछा तो आपने बोला सर लंब होगा तब तापमान क्या होगा दोस्तों आपका ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दैट मैंने यहां पर एक डेरिवेशन किया मैंने आपको पूरा का पूरा बताया दोस्तों ठीक है ये सन की पोजीशन है मार्च में कहां है जीरो डिग्री उसके बाद जून में कहां है दोस्तों आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बाद फिर सितंबर में आ जाता है फिर आपका दिसंबर तो सन तो ऐसे ही चलता रहता है अगर मैं पूरे वर्ष भर में देखूं तो सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर दो बार होती हैं ठीक है आपकी 23.5 डिग्री पर एक बार होती है कब जून के अंदर इसी प्रकार से साढ़े तेईस डिग्री साउथ में भी एक बार होती है लंब जब सूर्य का प्रकाश सीधे नब्बे डिग्री का कोण बनाते हुए पड़ता है कहां पर मकर रेखा पर वो कब होता है दिसंबर में ऐसे ही अगर मैं साढ़े छियासठ नॉर्थ और आपका साढ़े छियासठ साउथ पे बात करूं तो जीरो टाइम्स और अगर मैं बात करता हूं आपका नाइन्टी डिग्री नॉर्थ एंड नाइन्टी डिग्री साउथ तो जीरो टाइम्स तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना सन की किरणें तिरछी होती जाती है सूरज का प्रकाश मैक्सिमम लंब कहां तक देखो अब आपके दिमाग की बत्तियां बंद होने लग जाएंगी बहुत सारे बच्चे हैं ठीक है उनको लगेगा यार अब पता नहीं ये क्या हो गया ये सूर्य का प्रकाश लंब व्रत हाँ दिस इज द क्लाइमेट अब बार बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर क्लाइमेट पूरा कराओ क्लाइमेट पूरा कराओ क्लाइमेट दोस्तों पूरा का पूरा आपका सेमी साइंटिफिक है उसके अंदर आधी से ज्यादा साइंस है तो अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आपको ना ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहने वाली है जोग्राफी के अंदर अगर समझ पाओगे तो बहुत अच्छी बात है और इससे आसान इससे आसान तरीके से मैं नहीं करा सकता मैं क्या आप देख लो ना आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है बट मुझे लगता नहीं ऐसे मिलेगा आपको है ना तो जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं देख हो दोस्तों सन की किरणें सिर्फ तिरछी होती जा रही है ना तो इसीलिए आप हम देखें तो आप नॉर्मल भी बता सकता है कोई भी आदमी सबसे अधिक प्रकाश जहां पर होगा वहीं पर तापमान सबसे अधिक होगा तो जीरो डिग्री का तापमान सबसे अधिक होता है भूमध्य रेखा पर तापमान सबसे अधिक पाया जाता है सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से से दैट जो स्थान भूमध्य रेखा जितनी दूर जाता जाएगा वहां का तापमान उतना ही क्या होता जाएगा दोस्तों कम होता जाएगा ठीक है समझ में आ रही बात ठीक है दो स्थान भूमध्य रेखा से जितना दूर होता जाएगा उसका तापमान उतना ही क्या होता जाएगा दोस्तों आपका अधिक होता जाएगा यह

सन का का जो जो है वहां का जो है है सॉरी वो डिक्रीज होता रहता है। आप ये बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे ठीक है बांटते हैं जैसे उष्ण कटिबंध उपोषण कटिबंध शीतोषण कटिबंध शीत कटिबंध है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर तापमान के आधार पर ही हम ये बंटवारा सारा का सारा करते हैं ठीक है समझ में आ गई बात आया नहीं आई आपको चलिए ये बात आप समझ गए हो ठीक है तो ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से पूर्णतः डिस्कस कर ली थी ठीक है अब इससे भी कई लोगों को दिक्कत होगी है ना वो कहेंगे सर ये पीछे की चीजें क्यों करा रहे हो भाई मेरा काम है मैं कनेक्ट करना चाहता हूं कि पीछे की चीजों को आज मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे कनेक्ट कैसे करूं आप मुझे पता है ज्ञानी हो ठीक है लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं यार जिनको नहीं आता ठीक है जिनको कनेक्ट करना पड़ता है तो उनके लिए भी मुझे देखना है उनका भी मुझे ध्यान रखना है ठीक है तो ये हमने देख लिया था फर्स्ट उसके बाद अगर मैं सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा एक सवाल था आपसे ठीक है कल आप लोगों ने देख लिया था अबाउट लैटीट्यूड नाउ द सेकंड थिंग इज द लॉन्गिट्यूड आज जो दूसरा टॉपिक है मेरा वो ऑल्टीट्यूड के बारे में किसके बारे में आपका दोस्तों ऑल्टीट्यूड आपको ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट बताना है मुझे ऊंचाई सिंपल आपसे मैं आज सवाल करने वाला हूं ऊंचाई ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ेगा सवाल मेरा बिल्कुल आसान है सिंपल सवाल है मेरा ऊंचाई क्या वेन वी मूव फ्रॉम लोअर ऑल्टीट्यूड भाई जब जब मैं लोअर ऑल्टीट्यूड से मूव कर रहा हूं फ्रॉम लोअर टू हाइयर ऑल्टीट्यूड ठीक है आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है व्हाट व्हाट विल विल बी द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर आपको मुझे सिंपल बताना है सर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा कल भी मैंने सवाल किया था आपसे और आपने मेरे को कुछ जवाब भी दिए थे ठीक है एक बार फिर से मैं आप लोगों से जवाब जो है वो करूंगा ठीक है जल्दी बताइए फटाफट से अंकुश बुरा तो नहीं लगा यार एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने ऐसा बोला मैं जान पूछ के नहीं करता यार मेरे को ऐसा करना हो मैं पढ़ाऊँगी ना क्या करोगे बताओ कुछ भी नहीं है ना बट मैं आपकी चीज़ों के बारे में कंसर्न हूँ होता क्या है ना देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पहले पी मतलब इधर से इधर भेजो ठीक है सिस्टम चलाओ कैमरा अलाइन करो ठीक है इंटरनेट कनेक्शन चेक करो उसके बाद में फंक्शनिंग चेक करो ऑडियो आ रही है कि नहीं पहले मैं चेक नहीं करता था बट एक दिन वो लफड़ा हुआ था ऑडियो वाला आपको साउंड ही नहीं आ रही थी उसके बाद मुझे पहले टेस्ट करना पड़ता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना तो दीज थिंग्स विल टेक टाइम ठीक है उसके बाद मैं ये ये काम भी मैं ही करता हूँ पहले मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर करता हूँ कि हाँ भाई क्लास शुरू होने वाली है ठीक है ये सारे काम ना थोड़े से समय लेते हैं यार स्ट्रीम करने में ठीक है स्ट्रीम की डालने में ठीक है सिस्टम में दीज थिंग्स विल टेक टाइम थोड़ा सा समय लग जाता है है ना तो मुझे कोई शौक नहीं है यार आपको लेट कर मेरे तो काम है मुझे काम खत्म करना है ठीक है मुझे पढ़ाना है और मैं पहले भी बात बोल चुका हूं देखो यार यहां पर पूरे मन के साथ जुड़े हुए हैं मैं तो पूरे मन के साथ जुड़ा हुआ हूं कोई खेल थोड़ी ना है यार आपके साथ मैं कोई खेल नहीं रहा मुझे पता है आप लोग आंख बंद करके मेरे पे भरोसा कर रहे हो मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे रहा हूं ठीक है हंड्रेड एंड टेन परसेंट दे रहा हूं मैं आपका ठीक है नहीं तो आप चेक कर सकते हो जो कंटेंट हम दे रहे हैं जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको अगर आपको कहीं और मिल रहा है यू आर मोस्ट वेलकम यार ठीक है आज आप डेमोक्रेटिकली फ्री हो ठीक है यू आर यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री यू आर फ्री टू वॉच एनी थिंग एनी आप कहीं और पे भी देख सकते हो यार ठीक है बट जो यहां पर है मैं उनके हितों का ध्यान रखूंगा बाकी अगर ये ऐसा हुआ है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है सो विल टेक केयर ऑफ दैट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम बट ये हाथ में नहीं होता दोस्तों कोई कसम थोड़ी ना खा रखी है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है यार आपका लेक्चर ऊपर भी तो चला जाता है कल मैंने कम से कम आपका मैंने आपको सत्तर अस्सी मिनट भी पढ़ाया है तो वो भी तो चीज हो जाती है यार तो चीजें दोनों तरीके की होती हैं ठीक है ये मैं आपको बता नहीं सकता ना कितनी टेक्निकल चीजें यहां पर होती हैं कई बार वो स्लाइड चेंजर काम नहीं करता जो स्लाइड चेंज करने का नहीं करता तो दूसरे वर्जन पे क्लास लेनी पड़ती है जनरली अलग फॉर्मेट पे क्लास चलती थी बट अभी मैं दो दिन से नोट फॉर्मेट पे क्लास ले रहा हूं अभी मैं आपको कैसे समझाऊं क्या होता है ये मुझे भी सीखना पड़ा है पहले मुझे नहीं आता ये नोट फॉर्मेट पे क्लास लेना इस पे मैं इस पर फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हूँ मैं जनरली पीडीएफ के फॉर्मेट पे क्लास लेता हूँ है ना तो बहुत सारी ग्लिचेज होते हैं टेक्निकलिटी होती है तो थोड़ा बहुत हो जाता है तो आप इतना मतलब वो मत करा करो कि सर बी पंचुअल ये वो ठीक है हमें भी बुरा लगता है यार हम भी सुबह से शाम तक आप ही के लिए काम कर रहे हैं एंड उसके बाद आप ये बोलते हो थोड़ा अच्छा नहीं लगता थोड़ा बहुत तो सम्मान हम भी शायद डिजर्व करते हैं नहीं अभी बाहर मिलो मत करो बट राइट नाउ यू जहाँ पर हम खड़े हैं जहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट फ्रॉम हियर वी डिजर्व सम रिस्पेक्ट ठीक है थोड़ा सा रिस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं ठीक है ओके, okay. सो so, बात हो रही थी हमारी दोस्तों क्या सर इसका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा चलो पहले बताओ मुझे डिक्रीज होगा कितने बच्चे कह रहे हैं डिक्रीज होगा और कितने बच्चे कह रहे हैं इंक्रीज होगा जल्दी से बताओ पहले डिक्रीज वाले डिक्रीज और इंक्रीज वाले बताओ फटाफट से डिक्रीज होगा ओके okay. डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा चलो ठीक है आपकी बात तो फिर बाद में देखते हैं अच्छा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मल्टीपल आपके टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर भी देखना पड़ेगा इसके अंदर में आपको आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी समझना पड़ेगा इसके अंदर में आपको कन्वेक्शन करंट समझना पड़ेगा बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी चलो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं लेकिन बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा बिल्कुल टेंशन मत लो मैंने कल आपसे एक सवाल दिया था क्वेश्चन था ना मेरा ठीक है मैंने कहा आपसे कल सवाल पूछा था क्वेश्चन क्या था मेरा बताओ मैंने कहा था यार माउंट एवरेस्ट जो है ना वो धरातल से ये सरफेस थी मेरी सरफेस से माउंट एवरेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट कितनी ऊंची है दोस्तों आपका 8,848 किलोमीटर क्लोजर टू द सन माउंट एवरेस्ट जो है ना ये पीक है आपकी हिमालय की ये 8,848 मीटर पास है किसके सन के बट स्टिल आपका माउंट एवरेस्ट पर क्या होती है बर्फ जमी होती है माउंट एवरेस्ट इज आइस कवर्ड एंड एट द सर्फेस वी एक्सपीरियंस हाईर टेम्परेचर सतह पे तापमान अधिक महसूस करते हैं बट यहां पर क्या जमी रहती है बर्फ जमी रहती है इट इज सो होना क्या चाहिए यार जो जितना पास है सन के उतना ही तापमान उसका क्या होना चाहिए ज्यादा बट क्या ऐसा हो रहा है दोस्तों नहीं हो रहा है ऐसा सो मैंने यही पूछा था वाई इट इज सो ऐसा क्यों है ठीक है तो इसी का जवाब चलो ढूंढते हैं फटाफट से ठीक है जल्दी से चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूं देखो फिर से अगेन मैं आपको बिल्कुल बेसिक पे लेके आ रहा हूं ठीक है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं दोस्तों व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अवर सोलर सिस्टम ठीक है हमारे यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बताओ फटाफट से अगर मैं बात करूं आपका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है मेरे पास वो क्या है सन ठीक है सन है ना सन मेरे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है सूर्य से मेरे पास प्रकाश आ रहा है और ये प्रकाश जो सन से मेरे पास आता है ठीक है ये सन से प्रकाश हमारे तक आ रहा है लाइट आ रही है किसके फॉर्म में दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ई एम वेव के रूप में आ रही है कैसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम डिसाइड करते हैं ना हम पहले कहते हैं अल्फा बीटा गामा रेज उसके बाद हम बोल देते हैं सर एक्स रेज उसके बाद हम बोल देते हैं यूवी रेज ठीक है याद है उसके बाद हम बोलते हैं सर विजिबल स्पेक्ट्रम उसके बाद हम बोलते हैं सर इंफ्रा उसके बाद बोलते हैं सर हम माइक्रोवेव उसके बाद बोल देते हैं सर हम रेडियोवेव पता है ना सभी को ये अलग अलग प्रकार की होती है मेरे पास कैसे डिवाइड करते हैं हम आपको दोस्तों इनको इनको हम डिवाइड करते हैं दो चीजों के आधार पर पहला लैमडा मतलब होता है वेव और दूसरा होता है एफ एफ का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी ठीक है इस मुद्दे पे मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं लैमडा और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं लेमडा जो होता है इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑलवेज ठीक है लैमडा हमेशा क्या होता है फ्रीक्वेंसी के उल्टा होता है और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एनर्जी ठीक है फ्रीक्वेंसी एनर्जी के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छा जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जाता हूं दोस्तों याद रखो लेमडा आपका क्या होता है इंक्रीज होता है लेम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी अगर आपकी डिक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होगी दोस्तों डिक्रीज होगी कहने का मतलब क्या है अल्फा बीटा गामा रेज जो है इनका लैमडा सबसे कम होगा और इसका लैमडा सबसे ज्यादा रेडियो वेव का लैमडा मतलब वेवलेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा ठीक है जिसकी वेवलेंथ कम होगी ठीक है जब लैमडा लो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे शॉर्ट वेव यार दोस्तों एन नंबर ऑफ जगह इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जब लैमडा हाई होगा इसकी वैल्यू हाई होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों दैट इज नथिंग बट नॉन एज लॉन्ग वेव उसको हम लॉन्ग वेव बोलते हैं ठीक है ये बात हो गया सर सर एक सवाल और आता है मेरे पास हाउ एग्जैक्टली exactly ये सन के पास में एनर्जी आती कहां से ये मेरे पास धरातल है सरफेस है ये मेरे पास अर्थ है तो हम तो सारा प्रकाश सूर्य से ग्रहण करते हैं अब सवाल उठता है सर सन के पास एनर्जी आई कहां से तो देखो सन के अंदर हो रही है दोस्तों दोस्तों क्या न्यूक्लियर रिएक्शन सभी को पता है इसके बारे में इसको क्या बोलते हैं इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु अभिक्रिया तो सूरज के अंदर चल रही है परमाणु अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो प्रकार की क्रियाएं वहां पर हो रही है ज्यादा डीप में मैं नहीं ले जाऊंगा ठीक है अब एक्चुअली में क्या हो रहा है वहां पर इस अभिक्रिया के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन है ना वो लगातार किसमें बदल रहा है दोस्तों हीलियम के अंदर ठीक है हाइड्रोजन बदल रहा है हीलियम के अंदर ठीक है मैं कह रहा हूं चार रोटी का हमने चूरमा बना दिया घी डाल के समझते हो ना चूरमा क्या होता है अरे उसको रोटियों को ऐसे करके घी भी डाल देते हैं ना चार रोटियों को ऐसे रगड़ के अपन ने चूरमा बना दिया तो वो चूरमा भी चार रोटियों के बराबर बनेगा कि बनेगा तो यही होना चाहिए जितना हाइड्रोजन है उतना हीलियम बनना चाहिए अब होता क्या है चार हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम की यूनिट बना रहे हैं तो मानके चलो इनका मास में मान लू वन यूनिट ठीक है तो ये भी कितना होना चाहिए वन यूनिट बट इसका प्रोडक्शन कितना होता है दोस्तों जीरो यूनिट बीच में कितना गायब हो रहा है दोस्तों बीच में गायब हो रहा है जीरो पॉइंट थ्री यूनिट जीरो पॉइंट थ्री यूनिट क्या हो रहा है दोस्तों गायब हो रहा है अभी गायब हुआ कहां जा रहा है दोस्तों ठीक है सो गायब हुआ कहां जा रहा है दोस्तों मैं बताता हूं एक बाबा है हमारे आइंस्टीन बाबा बाबा कहते हैं इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जितना मास गायब हुआ है उतनी एनर्जी बनेगी एम की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट थ्री तो बहुत छोटी वैल्यू है लेकिन जो सी स्क्वायर है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू कितनी है तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका भी क्या स्क्वायर आप देखो अगर थोड़ा सा भी मास परिवर्तित होता है कितनी एनर्जी बनेगी बिकॉज ये चार हाइड्रोजन एक हीलियम में बन रहे थे इनसे इतनी मात्रा में ऊर्जा बन रही है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन बाबा इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कि सन के अंदर में एनर्जी कहां से आती है और ये बहुत ही तो चार हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं ऐसे

लैमडा है मतलब वेवलेंथ है और एक पर्टिकुलर क्या है दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास सूरज की किरणें आ रही है ना ये अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हमारे पास आती है ठीक है अब सन से वो आती है कहां तक हमारे तक पृथ्वी तक आती है तो बीच में क्या होता है दोस्तों एनवायरमेंट होता है ये बात क्लियर है अच्छा ये क्लियर देखो बहुत सारी मल्टीपल चीजें आपको साथ में रख के पढ़नी पड़ेगी यूं तो मैं एक सिंपल सी बात में इसको खत्म कर सकता हूं अगर मुझे आपको गोली देनी हो ना मैं आपको बहुत आसानी से गोली दे देता हूं क्या मैं अभी भी दे रहा हूं देखो सुनो मेरी बात कि भाई ये लैप्स रेट कहते हैं जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा घटेगा ठीक है इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट बात खत्म लेकिन देखो दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं मैं ना गोली देने के लिए आपके साथ हूं ना मैं दूंगा ठीक है सिंपल सी बात है मेरे को गोली देनी आती नहीं भाई मैं तो दिल का रिश्ता है मेरा आपसे ठीक है मुझे पता है ट्रस्ट चीज क्या होती है भरोसा क्या होता है आप भरोसा करते हो टूटने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए समझ रहे हो चाहे कुछ भी हो जाए टूटने नहीं दूंगा टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है नहीं तो मैं भी बोल सकता हूं इट हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैप्स रेट मैं बोल दूंगा हाँ भाई घटता है तापमान है ना अभी भी मैं लिख देता हूं ये लोग ठीक है अभी भी हम वी कैन सिंपली से दैट यहां पर अगर हम जाएंगे ना तो बात सत्य है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों डिक्रीज होता है बात खत्म जिस दर से डिक्रीज होता है उस दर को हम क्या बोलते हैं डिक्रीज होता है और ये एक रेट से होता है एक निश्चित दर से होता है ठीक है और उस दर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों लैप्स रेट लैप्स की दर कहते हैं बात होगी खत्म लेकिन क्या ये आपके लिए सफिशिएंट रहा नहीं रहा ये नहीं है सफिशियंट समझना पड़ेगा बेसिक्स फंडामेंटल तभी तो चीजें समझ में आएंगी और वही चीज समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया सवाल लिया और उस सवाल को अभी मैं पुख्ता करने की उस सवाल को मैं जस्टिफाई करने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना मैं आप लोगों से कुछ मांग रहा हूं ना कुछ मैं आप सिंपल सी आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों कि आइए कक्षा में बैठिए ना पेन उठाइए ना पेपर उठाइए कुछ मत उठाइए बस बैठ के एक घंटे आराम से शांति से मेरी वीडियो को देखिए पसंद आए लाइक कर दो आपको लगता है कि कुछ और भी दोस्त हैं मेरे जिनका फायदा हो सकता है इससे शेयर कर दो आपको लगता है नहीं मैं उतने अच्छा काम नहीं कर रहा मत लाइक करो मत शेयर करो लेकिन अगर आपको लगे कि हां मैंने इस कॉन्सेप्ट कौंस, को आपके लिए आसान बनाया है मैंने एक अलग और अच्छे तरीके से इस चीज को आपके लिए प्रस्तुत किया है सो दोस्तों तब आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है ठीक है फेयर है ना ये तो बिल्कुल फेयर चीज है ना भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं ना इसमें ठीक है हाँ चलिए तो कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप शेयर करना लाइक like करना अदरवाइज मत करना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां तक क्लियर किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो एक बार अगर नहीं है तो एक बार फटाफट से थम्सअप कर दो यार जल्दी से ठीक है अगर यहां तक समझ में आ गया तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं ठीक है <laughs> चलिए तो ये हो गया अब देखो अब हो क्या रहा है अब हो कुछ ऐसा रहा है दोस्तों यहां पर है मेरे पास सन ठीक है ठीक है हो क्या रहा है ध्यान से समझना यहां पर है मेरे पास सन ठीक है थोड़ा सा आपको अच्छे समझना पड़ेगा ये है सन और ये है मेरे पास सपोज करते है, अर्थ ठीक है पृथ्वी अब जो ये तापमान का फंडा है ना ये मैं सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में बात कर रहा हूं आपको एक बात पता है जो अर्थ है हमारी इसकी अलग अलग लेयर है एटमोस्फेयर की पृथ्वी है ना इसके ऊपर अलग अलग लेयर होती है उसको हम अलग अलग तरीकों से बांटते हैं पहला ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर तापमान के आधार पर हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं देखो कुछ इस प्रकार से एक दो तीन एटमोस्फेयर को ठीक है क्या क्या होता है सबसे नीचे होता है मेरे पास दोस्तों दैट इज ट्रोपोस्फेयर इसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल इसके बाद होता है हमारे पास क्या दोस्तों स्ट्रेटोस्पेयर समताप मंडल इसके बाद मेरे पास क्या होता है दोस्तों मध्यमंडल और इसके बाद क्या होता है, पास ये होता है के किसको हम डिवाइड करते हैं आपका एटमोसफेयर को तो जब भी मैं क्लाइमेट या वेदर की बात करूंगा ना दैट मीन ओनली मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूं याद रखना जितनी भी हम क्लाइमेट संबंधी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे चाहे वो बादल का बादल का बनना हो चाहे वो वर्षा का आना हो चाहे वो धुंध का आना हो ठीक है चाहे वो हवा का चलना हो चाहे आंधी आना हो तूफान आना हो चक्रवात आना हो कोई भी क्लाइमेट या वेदर रिलेटेड कंडीशन फिनोमिना अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में एनी क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड एक्टिविटी एवर हैपन्स दैट ओनली हैपन्स इन द ट्रॉपोस्फेयर कोई भी जलवायु या मौसम संबंधी गतिविधि अगर आपकी कहीं होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है दोस्तों दैट ओनली टुक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है तो यह बात बाय डिफॉल्ट आप दिमाग में रखोगे कि मैं जब भी एटमॉस्फेयर की बात करूंगा इस संदर्भ में मैं सिर्फ और सिर्फ किसके संदर्भ में बात करूंगा मैं के संदर्भ में बात करूंगा हम ट्रोपोस्फेयर की ही बात करेंगे ठीक है सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द दोपोस्फेयर सो क्या हो रहा है जस्ट मेरे साथ में देखेंगे दोस्तों ये है मेरे पास सन दिस इज सन ठीक है भाई अब सन के बाद में अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो यहां पर मेरे पास क्या है दोस्तों दिस इज अर्थ ठीक है ये मेरे पास क्या है दोस्तों अर्थ है ठीक है ये अपने पास क्या है पृथ्वी है ये सन है दोस्तों ये अर्थ है सन ने अपना काम किया सन का काम क्या है दोस्तों सन ने अपनी रेडिएशन दी ठीक है सन की रेडिएशन आती है ठीक है अच्छा सन की रेडिएशन जो आती है इस रेडिएशन का एक काफी ज्यादा भाग जो है वो वापस क्या हो जाता है दोस्तों रिफ्लेक्ट हो जाता है ठीक है रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है परावर्तित हो जाता है वापिस चला गया ठीक है और कुछ भाग जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है पृथ्वी तक पहुंचता है इस प्रकार से कुछ भाग क्या हो जाता है दोस्तों आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है ठीक है किससे रिफ्लेक्ट होता है बीच के अंदर में तो ये रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर समझ में आई बात अच्छा सन के बीच में और अर्थ के बीच में वेव जो चलती है अब सूरज से किरणें आती हैं और ये किरणें कौन सी होती है दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं आपको ई e एम वेव ई e एम वेव ऐसी वेव होती है दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ द मीडियम टू ट्रेवल इनको किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है अगर मैं बात करूं ना आपका ई एम वेव तो इनको किसी भी प्रकार के मीडियम माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वैसे चलो मीडियम की बात हुई है तो मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं कोई भी मीडियम अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप का हो सकता है तो मीडियम कैन बी ऑफ थ्री टाइप तीन प्रकार के हो सकते हैं फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपका तो मीडियम हो सकता है सॉलिड सेकेंड अगर मैं बात करूं आपका तो मीडियम हो सकता है दोस्तों लिक्विड और तीसरा अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है दोस्तों आपका गैस अच्छा सॉलिड कैसा होता है सर सॉलिड कुछ ऐसा होता है लिक्विड लिक्विड कुछ ऐसा होता है और गैस गैस कुछ ऐसी होती है ठीक है सॉलिड के अंदर में एटम जो होते हैं दे आर क्लोजली पैक बड़ा गहरा रिश्ता है इनके अंदर है ना बहुत ही ज्यादा बहुत प्रेम है एक दूसरे से सटे हुए हैं बिल्कुल लिक्विड के अंदर में थोड़ी बहुत नोका झोंकी है दूर दूर है ठीक है और यहां तनाई कुछ ज्यादा ही है समझ रहे हो ये हिमेश रेशमिया गाने सुनते हैं ठीक है तनहाइया तो दूर दूर है है ना अब समझो दोस्तों एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है मेरी बात समझ ना सूर्य से एनर्जी तो आ रही है एम वेव के रूप में हम क्या ले रहे हैं सन से एनर्जी तो ले रहे हैं अब ये एनर्जी जो है ये ई एम वेव के रूप में आ रही है अब मीडियम की बात करूं तो तीन मीडियम वैसे हमारे पास मीडियम कौन सा होता है गैस चलिए पहले बात कर लेता हूं मैं सॉलिड जो होता है लिक्विड और गैस मेरे को आप एक बात बताओ गैस सॉलिड और आपका लिक्विड में एनर्जी ट्रांसफर कैसे करती है, है? समझना हाथ मारता हूं ठीक है अभी ये मारूंगा नहीं स्क्रीन टूट जाएगी यार अगर मैं यहां पे हाथ मारूंगा वहां तक वाइब्रेशन होगा क्यों ठीक है ऐसा समझ लो ठीक है अगर ये जो बुक है ठीक है सपोज ये बुक है मेरे पास ठीक है और अगर मैं इसको गर्म करता हूं ठीक है मैं एक हिस्सा अगर ये लोहे की हो मैं एक हिस्से यहाँ से गर्म करूं तो मेरा ये हिस, ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा ठीक है या ये सॉलिड है मैं इसको इस हिस्से से मारता हूं मैं ठीक है इस हिस्से से मारता हूं वाइब्रेशन यहां तक आता है ये क्या होता है दोस्तों ये एनर्जी ट्रांसफर है एनर्जी मैं किसी भी फॉर्म में दे सकता हूं मैं अगर गर्म करूंगा तो आई एम सप्लाइंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अगर मैं हाथ से मारता हूं दैट आई एम सप्लाइंग द मैकेनिकल एनर्जी तो एनर्जी किसी भी रूप में देते हैं हम तो एनर्जी का सप्लाई कैसा होता है थ्रू द वाइब्रेशन सिंपल मैं आपको समझाता हूं देखो बात समझना ठीक है जब ये पूरा समझा दूंगा ना तब आप निचोड़ निकाल पाओगे बात समझो मैं क्या कह रहा हूं मैं इसको गर्म करता हूं ठीक है मैंने इसको गर्म किया मैंने आग जला दी इसके नीचे क्या होगा दोस्तों इस पार्टिकल के पास ऊर्जा जाएगी जैसे ही पार्टिकल के पास ऊर्जा जाएगी जैसे ही पार्टिकल को हम गर्म करते हैं पार्टिकल को ऊर्जा मिलती है इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग आपको अगर मैं पावर दे दू ना किसी चीज की ठीक है आप उछलने लग जाओगे ठीक है तो वही होता है यहां यहां पर यहाँ पर जैसे ही आपने इसको इसको गर्म किया या हाथ से मारा इसको, इसके पास एनर्जी आ जाती है इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन इट्स प्लेस जैसे वाइब्रेट करेगा ये इससे टकराएगा दिस इस आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इसके बाद ये इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इट्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग तो कहने का मतलब क्या है क्लोज जब भी एनर्जी हम देते हैं ना कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी दे दो आप पार्टिकल जैसे ही आप एनर्जी दोगे इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन इट्स प्लेस और जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा इन सॉलिड बिकॉज एटम आर क्लोजली पैक्ड वो क्या करेंगे दोस्तों वाइब्रेशन जल्दी होगा है ना मैंने यहां पर आग जलाई लेकिन ये वाइब्रेशन करेगा और जैसे ही वाइब्रेट स्टार्ट करेगा ये भी क्योंकि आपस में जुड़े वाइब्रेशन यहां पर इस कोने से यहां पर वाइब्रेशन जल्दी पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा जल्दी पहुंचेगा दैट मीनस सॉलिड जो चीजें होती है ना वो क्या होती है दोस्तों अगर मैं बात करूं इसी बेसिस पर वी कैन से दैट ये जल्दी तो आपका गर्म होती है ठीक है जल्दी गर्म होती है और जल्दी क्या होती है दोस्तों आपका ये ठंडी होती है ठीक है जल्दी गर्म और जल्दी क्या होती है ठंडी क्यों होता है ऐसा बिकॉज दी एटम आर क्लोजली पैक अच्छा बताओ लिक्विड में क्या होगा मैं देखो बिल्कुल मैं तो नॉर्मल चीज बता रहा हूं मैंने सॉलिड पे किया था अब चलो सॉलिड छोड़ के ना हम पानी पे चलते हैं आप क्या करना पानी कहीं ज्यादा भरा हुआ दिखे ना आप एक जगह उसमें हाथ मारना ठीक है आपने हाथ मारा वहां के पार्टिकल आपका क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे लहर बनेगी वहां से वेव बनेगी वेव बनके 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 दूसरे हिस्से तक जाएगी जाएगी लेकिन समय लगेगा ऐसा तो नहीं आपने इधर मारा वो तुरंत वाइब्रेट करने लगा नहीं होगा ना That will take time. ही यहां पर क्या होगा जब मैं इसको गर्म करूंगा ना दोस्तों पर भी ट्रांसफर होगी बट इट विल टेक टाइम तो यहां पर समय लगेगा इसीलिए हम क्या कहते हैं पानी तो लेट तो क्या होता है दोस्तों गर्म होता है और पानी लेट ही क्या होता है दोस्तों आपका ठंडा होता है ठीक है तीसरी बात क्या दोस्तों गैस गैस में देखो मैं कितना ही गर्म कर लू कुछ हो रहा है ठीक है आइडियल कंडीशन में कुछ नहीं होगा तब तक मैं गैस को एक क्लोज कंटेनर में रखूंगा कुछ नहीं होने वाला मैं गैस को गर्म करूंगा हल्की होगी ऊपर चली जाएगी ठीक है अगर आसमान खुला है मतलब अगर कंटेनर है ही नहीं वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएगी तो इन रियलिटी अगर मैं आइडियल कंडीशन में बात करूं तो ये ना गर्म होगी ना ठंडी होगी अब यहीं से मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बनता है उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है क्या होता है दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी से बनता है समझना मेरी बात को और बताना मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता क्या बोलते हैं दोस्तों विशिष्ट उष्मा धारिता ये क्या होता है सर सिंपल बात है किसी भी वस्तु का तापमान एक डिग्री बढ़ाना है मुझे कोई भी चीज है मेरे पास कोई भी वस्तु है सपोज लेट से मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ठीक है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है मान के चलते हैं दस डिग्री सेंटीग्रेड मैं इसका तापमान बढ़ा के एक डिग्री बढ़ा के क्या कितना चाहता हूं ग्यारह डिग्री सेंटीग्रेड मुझे इस ए ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा मुझे प्लस हीट डेल्टा डेल्टा रिप्रेजेंट द हीट मुझे इसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी भाई मुझे किसी ऑब्जेक्ट का तापमान एक डिग्री बढ़ाना है एक डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी अब जो मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ती है ना एक डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए

इसकी स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी की बात करूं आपका तो वो क्या होगी दोस्तों आपकी हाई होगी ठीक है इसको अब मैं हटा रहा हूं यहां से क्योंकि वो हमने देख लिया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या होती है मेरे पास दोस्तों लो होती है भाई इसीलिए तो जल्दी गर्म होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है भाई वो उष्मा की मात्रा जो एक डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है सॉलिड जल्दी गर्म होता है इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है लो ये लेट गर्म होता है इसलिए वी कैन से दैट इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों हाई होती है और अगर मैं आइडियल कंडीशन में बात करूं तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग लगभग इंफिनाइट को अप्रोच करती है मतलब कहने का मतलब क्या है गैस आइडियल अवस्था में ना गर्म होगी और ना गर्म होने देगी गर्म नहीं होती गैस तो इसका मतलब एक बात साफ हो गया दोस्तों सूरज की जो किरणें ऊपर से आती ना इनसे तापमान नहीं बढ़ता जब हम सोचते हैं ना अगर सन की किरणों से तापमान बढ़ता तो ऑब्वियस बात है सूरज की किरणें तो ऊपर से आ रही है तो अगर ऐसा होता तो तापमान कहां से बढ़ता दोस्तों फ्रॉम द टॉप बट कैसा होता है नहीं होता जो तापमान बढ़ता है ना उसके लिए सूरज जिम्मेदार नहीं होता उसके लिए हमारी धरती माता जिम्मेदार होती है कैसे अभी बताऊंगा तो एक बात तो क्लियर होगी सन की इनकमिंग रेडिएशन से कुछ नहीं हो रहा तो किसकी वजह से हो रहा है उसके बाद हमने एक अलग मुद्दे पर चर्चा की हमने बात की कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर में जो हम तापमान बढ़ने की बात कर रहे हैं तो तापमान आता कहां से सर सूर्य से आता है सूर्य में क्या हो रहा है वो मैंने बताया कहां से ऊर्जा आती है सूरज में मैंने उसके बारे में बताया उसके बाद में हमारी बात हुई दोस्तों कि मीडियम के बारे में मैंने बोला यार सूरज और धरती बीच में तो कुछ है ही दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हिट एवरीबडी नोज दिस हवा जो है वो उषमा की कुचालक है, है ठीक है बैड कंडक्टर है वो हीट को इतना अच्छे से ट्रांसफर कर ही नहीं सकती हवा तो मुद्दा यह आता है कि सूरज से यहां तक धरती तक अगर हवा एनर्जी आपकी हीट को लेके नहीं आ रही तो लेके आ कौन रहा है भाई अगर हवा लेके आती तो ऑब्वियस बात है तापमान कहां से गर्म होता ऊपर से लेकिन वास्तव में सूरज का कोई प्रभाव ऊपर से किरणों से आ ही नहीं रहा जो हमारा वायुमंडल गर्म होता है वो सूर्य की किरणों से नहीं हो रहा वो वायुमंडल गर्म किसी और चीज से हो रहा है दोस्तों वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो यार मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दो मैं समझ जाऊंगा समझ में आ गया तभी मैं आगे बढ़ूंगा नहीं आया तो बाद में करेंगे जल्दी बताओ फटाफट से हाँ सुनीत अभी देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं अभी देख लेते हैं ठीक है अब देखते हैं दोस्तों ठीक है अब ऐसे तुक्के नहीं बैठने हैं ठीक है अपने अपने तुक्के के बैठने में लग गए ऐसे नहीं होगा देखो मेरी बात सुना ध्यान से अब हो क्या रहा है समझना मेरी बात को ध्यान से वो तो हो नहीं रहा सूरज से तो आ नहीं रही ये बात तो पक्की होगी कंफर्म होगी मेरे पास ये है सन मेरे पास ठीक है और ये मेरे पास क्या है दोस्तों अर्थ पृथ्वी धरातल है ठीक है पृथ्वी ना बोल के मैं इसको धरातल बोलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा तो वो सन था एंड दिस इज सरफेस ठीक है सूरज से आ रही है किरणें आती है भाई सन तो अपना काम करता है आती तो है लेकिन इनका कुछ भाग जो है वो क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 65 परसेंट पार्ट जो है वो क्या हो जाता है किसी ना किसी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक चला जाता है मतलब वर्तित बचा कितना दोस्तों अगर मैं बात करूं बचे हुए पार्ट की तो 37 सेवन पार्ट परसेंट पार्ट जो है ना 35 परसेंट वो धरती तक पहुंच जाता है ठीक है बचा कितना पार्ट दोस्तों मैंने आपको बताया सर थर्टी फाइव परसेंट अब पृथ्वी क्या है सरफेस क्या है सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है लो तो पृथ्वी क्या करती है जैसे ये इसके पास आता है ना इसको पृथ्वी एब्सॉर्ब कर लेती है एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ अवशोषित अब एक बात तो पक्की है दोस्तों जो भी सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जाएगा जीरो डिग्री से ज्यादा और मैं कई बार बता चुका हूं जिस भी चीज का एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो से ज्यादा होगा ठीक है हीट लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग वो बॉडी रेडिएशन एमिट करेगी अगर मेरा तापमान आप जीरो डिग्री से ज्यादा कर दोगे तो मेरे में से भी किरणें निकलेंगी मैं भी हीट एमिट करूंगा मैं भी ऊर्जा जो किरणें हैं मैं वो रेडिएट करूंगा किसी भी बॉडी का तापमान अगर जीरो डिग्री से ज्यादा होता है तो वो हीट रेडिएट करता ही करता है दैट विल एक्ट एज अ रेडिएटिंग बॉडी पृथ्वी ने 35 प्रतिशत को क्या किया एब्जॉर्ब कर लिया अब जब एब्जॉर्ब किया तो इसके बाद में जो ये सरफेस थी ना मेरे पास अब ये क्या हो जाएगी दिस सरफेस विल बिकम हीटेड सरफेस दोस्तों ये सतह कैसी हो जाएगी दोस्तों आपकी हीटेड सरफेस हो जाएगी ये गर्म सतह हो जाएगी अब गर्म हो जाएगी तो क्या होगा अब बताओ मुझे सतह गर्म है गर्म सतह पे मैं हाथ रखूंगा बताओ कैसा लगेगा मैं गर्म सतह पे हाथ रख रहा हूं सतह गर्म है मैं हाथ रख रहा हूं कैसा लगेगा ठंडा परमानेंट ठंडा हो जाएगा ठीक है जल जाएगा आतो क्या तो गर्म सतह पर जब भी आप हाथ रखोगे तो ऑब्वियस बात है ना तो यहां पर आपको कैसा महसूस होगा दोस्तों ऑब्वियस बात है सर यहां पर हमें गर्म ही महसूस होगा तो मैं उसी की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो जो हवा मेरे पास एयर इसके कॉन्टेक्ट क्योंकि सरफेस गर्म है तो जो यहां पर एयर प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ दिस वॉर्म सरफेस जो हवा इससे कॉन्टेक्ट में होगी वो क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से बताओ गर्म होगी या ठंडी होगी भैया ये गर्म है अगर ये गर्म है तो जो हवा इसके कॉन्टेक्ट में है यह क्या हो जाएगी वॉर्म सो दिस बिकम्स वार्म एयर रेड से दिखाया मैंने क्या वार्म एयर ये गर्म हो जाएगी और ये गर्म क्यों हुई है बिकॉज ऑफ कंडक्शन। अच्छा कंडक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों हम संचालन तो हवा गर्म किसकी वजह से हुई है संचालन कंडक्शन का मतलब क्या होता है जब भी दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में होती है तो जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए हीट जो है है ट्रांसफर होती रहती इसको ही कंडक्शन मैंने क्या बोला पृथ्वी सूर्य से ताप आपकी सरफेस तक आपका क्या पहुंचता है किरणे पहुंचती है पृथ्वी इनको एब्जॉर्ब करती है एब्जॉर्बन के बाद में पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा धस आपकी जो सतह है वो गर्म होगी जब गर्म सतह से जो हवा टकराई हुई है जो हवा इसके साथ में कॉन्टेक्ट में है वो हवा क्या करेगी दोस्तों आपका वो हवा आपकी गर्म हो जाएगी और जब हवा आपकी गर्म होगी तो क्या होगा दोस्तों देखते हैं हम क्या होगा ये बात समझ में आई या नहीं आई सिंपल सी बात है अगर आपके मन में सवाल है आप पूछोगे सर ये यह हवा यहां गर्म क्यों हुई वहां तो नहीं हो रही थी दोस्तों यहां पर मैं कंडक्शन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ टच की कॉन्टेक्ट में है ये बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं दोनों एक दूसरे से सो so, हेयर जो मैं यहां पर बात कर रहा हूँ ना दोस्तों यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्शन मैं कंडक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर संचालन की बात कर रहा हूं आपका ठीक है तो यहां पर जो बात हो रही है ना हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्शन हम संचालन की बात कर रहे हैं ठीक है सो so, ये हवा है गर्म सतह के साथ थी तो गर्म थी अच्छा गर्म हवा क्या करती है दोस्तों ऑब्बियस बात है आप लोगों को पता है जब भी हवा गर्म होती है ना तो हवा क्या करती है पता आपको इट विल स्टार्ट राइजिंग गर्म है गर्म होके हवा हल्की होगी और हल्की होकर हवा क्या करने लगेगी ठंडी गर्म हवा क्या करने लगेगी इट विल स्टार्ट राइजिंग ऊपर जाएगी अच्छा ऊपर मेरे पास क्या है इसके मुकाबले कंपैरेटिवली ऊपर मेरे पास ठंडी हवा विद्यमान होगी भाई नीचे तो हवा किससे गर्म हुई है सतह से लेकिन ऊपर तो कोई सरफेस नहीं है ना मेरे पास तो ऊपर इसके मुकाबले मेरे पास यहां पर कैसी हवा होगी जल्दी बोलो फटाफट से तो यहां पर ये जो हवा है इट विल कंपैरेटिवली कोल्ड एयर कैसी हवा है दोस्तों आपकी कोल्ड एयर है ठंडी हवा है अब समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं यहां पे मैंने बोला ये हवा गर्म होगी गर्म होके हल्की होगी हल्की होके ऊपर उड़ जाएगी ऊपर चली गई साथ ही साथ में अब हवा ऊपर चली जाएगी तो नीचे क्या खाली वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा नहीं हवा ऊपर गई है तो कोई इसका स्थान लेने के लिए नीचे भी आएगी ठीक है तो हवा नीचे भी आती है ये हवा का ऊपर जाना और नीचे आना इस पूरे चक्कर को ये जो पूरा बनता है ना देखो हवा ऊपर जा रही है नीचे भी आ रही है ऐसे कंप्लीट चक्कर बन रहा है इस कंप्लीट चक्कर को दोस्तों मैं यहां पर एक नाम देता हूं और वो नाम क्या होगा दोस्तों दैट नेम इज द कन्वेक्शन साइकिल क्या बोलते हैं इसको कन्वेक्शन साइकिल हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों सबवहनीय चक्र क्या बोलते हैं इसको सबवहनीय चक्र दिस इज दिस सबवहनीय चक्र कन्वेक्शन कन्वेक्शन साइकिल बोलता हूं मैं इसको कन्वेक्शन साइकिल मींस द सबवहनीय चक्र और ये जो आपके ऊपर नीचे जा रहे ना गर्म हवा ऊपर जाना ठंडा कोई भी चीज जब एक निश्चित दिशा में बहती है उसको हम बोलते हैं करंट और ये क्या है दोस्तों दीज आर नॉन एज द कन्वेक्शन करंट ठीक है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट करंट मतलब धारा तो इसको हिंदी में कहा जाता है सब वहनीय धारा नहीं आई बात समझ में दोबारा बताता हूं भैया सूरज से लाइट आ रही थी 35 प्रतिशत लाइट सतह ने सीधी एब्सॉर्ब कर ली पृथ्वी ने अवशोषित कर ली पैंसठ परसेंट का हमें कोई मतलब नहीं है यह अलग से एक हीट बजट का टॉपिक है वहां पर पढ़ेंगे 35 प्रतिशत पृथ्वी ने एब्सॉर्ब कर ली जैसे ही पृथ्वी ने एब्सॉर्ब किया भाई पृथ्वी बन गई हीटेड सरफेस पृथ्वी की सतह क्या होगी गर्म सतह गर्म सतह हो गई तो अब गर्म सतह के साथ में जो वायु अटैच होगी जो वायु यहां पर इससे जुड़ी हुई है वो गर्म होगी और गर्म होकर हवा क्या करने लगेगी ऊपर उठेगी गर्म हवा ऊपर उठेगी ठंडी हवा नीचे आएगी यह हवा का ऊपर उठना और नीचे आना इसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन साइकिल ठीक है कन्वेक्शन करंट सब वहनीय धारा और ये जो पूरा साइकिल बनेगा गर्म का ऊपर जाना ठंडे का नीचे आना ये जो पूरा साइकिल बनेगा ना दोस्तों इस पूरे साइकिल को हम बोलेंगे कन्वेक्शन साइकिल क्या बोलेंगे इसको सब चक्र इसी की वजह से हवा गर्म हो रही है कैसे अब देखो समझ में आ रही बात तो जैसे ही क्या होता है दोस्तों आपका दिन की अगर मैं बात करूं ठीक है मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूं ठीक है मान के चलो ये मेरे पास सरफेस है ठीक है ये सरफेस है धरातल है अब माउंट एवरेस्ट है यहां पर ठीक है ये हिमालय है ये माउंट एवरेस्ट है अब मान के चलो सन का सूर्य का प्रकाश आ रहा है अब पहले कहां से गर्म होना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आपने देख भी लिया गर्म होना स्टार्ट हो रहा है कहां से धरातल से देखो नीचे से हवा यहां से गर्म हो रही है ना भाई सूरज की किरणें तो नीचे से गर्म हो रही है ना गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर जा रही है वो अच्छा ये तो गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर जा रही है और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आएगी अब नीचे से ऊपर से अगर ठंडी हवा नीचे आएगी तो क्या होगा जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी दोस्तों ये भी क्या हो जाएगी आपका क्योंकि ये तो सतह गर्म है तो गर्म है तो वो भी क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट यार समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे भैया सीधी स्पष्ट बात है जब वो ऊपर जाएगी जब यह ऊपर जाएगी तो ठंडी नीचे आएगी और जब ठंडी हवा नीचे आएगी तो हाल उसका भी वही होगा जो इसका हुआ है दोस्तों क्या हाल होगा इसका भी सर ये भी आपका क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी वाई बिकॉज सरफेस तो अभी भी गर्म है ना तो अब ऐसा ही होता है देखो हवा नीचे से गर्म होकर ऊपर उठती है इसीलिए जो हमारा पर्यावरण गर्म होता है ना वायुमंडल वो नीचे से गर्म होना शुरू होता है ठीक है ऑलवेज ठीक है दिन में ऐसे आपका सरफेस गर्म होता है गर्म होता है गर्म होता है तो डे टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं ठीक है डे टाइम के अंदर ऐसे ही टेम्परेचर क्या करता है आपका इंक्रीज करता है ठीक है किसके माध्यम से बताओ इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन के माध्यम से तो दिन में हमारा तापमान बढ़ता है किसके रूप में आपका कन्वेक्शन के रूप में सब के रूप में ठीक है बड़ा अब देखो ये लाइट सन की कब तक आती है दिन दिन में आएगी रात में क्या होगा रात में बत्ती गुल पृथ्वी के पास 35 प्रतिशत आई नहीं रहा पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी जब पृथ्वी ठंडी हो जाएगी तो जैसे दिन में तो ये ऊपर गया रात में एट द नाइट में ये क्या करेगा दोस्तों नाइट में अगर हम बात करें तो नाइट में हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा सो दिन में तापमान बढ़ा रात में टेम्परेचर डिक्रीज किस दिन बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो ये यहां तक चला जाएगा और ये हाइट मैक्सिमम कितनी होती है दोस्तों ये हजार मीटर चला जाएगा बारह चला जाएगा ऐसा मोस्टली फाइव मीटर से ऊपर नहीं जाता मतलब जो गर्म होता है ना धरातल पृथ्वी की सतह से जो वायुमंडल गर्म हो पाता है ना सब वहन से कन्वेक्शन मतलब सब वहन से मुख्य जो अगर हम बात करें पृथ्वी जो मुख्यतः गर्म होती है वो किससे होती है कन्वेक्शन से जिसको हम बोलते हैं सब वहन ठीक है वैसे मुख्य तो होती है कंडक्शन से गर्म संचालन से बट संचालन के बाद में धारा धारा बनने लगती है और इन से ही हमारा वायुमंडल गर्म होता है लेयर बाय लेयर गर्म होता है और गर्म कहां से होना होता है स्टार्ट होता है आपके धरातल से नीचे से नीचे अब दिन में गरम होगा जब गरम होके जब होकर चल रहा है चल रहा है चल रहा है यहां तक रात होगी रात होगी तो फिर से टेम्परेचर डिक्रीज अगले दिन फिर बढ़ेगा फिर घट जाएगा आप मुझे बताओ ये मैक्सिमम जाता है मैं बोल रहा हूं ये मैक्सिमम जाएगा पांच से लेकर सात मीटर तक अब माउंट एवरेस्ट कहां पर है 8,850 मीटर क्या कभी यहां तक पहुंच पाएगा नेवर एवर कभी नहीं पहुंच पाएगा यहां पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा जब नहीं पहुंच पाएगा तो क्या माउंट एवरेस्ट का तापमान कभी बढ़ेगा नहीं तो वो हमेशा क्या रहेगी वहां पे बर्फ ही जमी रहेगी तो दिस इज द राइट वे टू एक्सप्लेन दिस थिंग तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इट इज सो कि माउंट एवरेस्ट जो सूर्य के 8,850 मीटर सूरज के पास में है अगर मैं इस डिस्टेंस को मानूं x, ठीक है अगर मैं ध्यान से देखना एक मतलब वही बात है आपको पता है बट इसको मैं अलग बात पे थोड़ा सा बता देता हूं अगर मैं इस डिस्टेंस को मानता हूं x, ठीक ठीक है तो ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों ये डिस्टेंस है x माइनस आठ हजार आठ सौ पचास तो ऑब्वियस बात है ना यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ज्यादा गर्म होना चाहिए बट नहीं होता क्यों क्योंकि इस ऊंचाई तक सब वहनीय धारा पहुंच ही नहीं पाती और रही बात सूरज से डायरेक्ट हीटिंग की तो डायरेक्ट हीटिंग होती नहीं है हीटिंग किससे होती है बिकॉज ऑफ द द अर्थ बात समझ में आ गई तो दिस इज मेन रीजन व्हाई एग्जैक्टली कि जो आपका जो आपका पृथ्वी का तापमान है वो हमेशा नीचे से बढ़ता है वायुमंडल हमेशा पृथ्वी के कारण गर्म होता है तो इसीलिए याद रखना जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं हाइट के ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है अब मैं एक लाइन में खत्म कर सकता था इसको दिस इज द ओनली लाइन ठीक है मैंने यहां पर लिख के खत्म कर देना था यहां पर टेम्परेचर क्या होगा आपका डिक्रीज होगा अब डिक्रीज किसकी वजह से होगा बिकॉज ऑफ दी कन्वेक्शन करंट क्योंकि कन्वेक्शन करंट ज्यादा ऊंचाई तक जा ही नहीं पाता गर्मी में कहते हो ना जब गर्मी ज्यादा होती है अभी तो खैर कोई नहीं गया होगा वैसे गर्मी जब ज्यादा होती है तो भाई गर्मी ज्यादा होती है यार गर्मी ज्यादा है मैं तो शिमला जाऊंगा मसूरी जाऊंगा क्यों भाई वहां त्रेबा बन फ्रिज लगा रखे है क्या वहां क्यों जाएगा बिकॉज वो वो हाइट पे है वो जगह हाइट पे हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन जो होते हैं वहां पर कन्वेक्शन के कारण आपका वो इलाका गर्म नहीं हो पाता इसीलिए हाइट वाले इलाके जो होते हैं वो सतह के मुकाबले क्या होते हैं थोड़े से ठंडे होते हैं ठीक है क्लियर है तो अगर मैं माउंट एवरेस्ट के क्वेश्चन का जवाब दूं तो क्या होगा मैंने सवाल आपसे पूछा था कि पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है वो सूरज से धरातल के मुकाबले सूर्य के 8,850 मीटर करीब है तो उस हिसाब से तो माउंट एवरेस्ट गर्म होनी चाहिए लेकिन वहां बर्फ जमी रहती है क्यों मैंने बताया था तो इसका आंसर क्या होगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर और उस ऊंचाई तक हमारी सब वहनीय धाराएं जो हैं वो नहीं पहुंच पाती तो वायुमंडल वहां तक गर्म नहीं हो पाता जिसके कारण माउंट एवरेस्ट पे सदा बर्फ जमी रहती है अब कोई बच्चा आर्ग्यूमेंट ये नहीं कर सकता कि सूरज के पास है तो भैया वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है डायरेक्ट हीटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म है वायुमंडल गर्म ही किससे होता है आपका वायुमंडल गर्म ही होता है सरफेस वेव से क्योंकि जो हमारे वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं ना जो हवाएं होती हैं जो गैस होती है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक सर्टेन अमाउंट की वेवलेंथ को ही एब्सॉर्ब कर सकती है तो सूर्य से आने वाली वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती वेवलेंथ ज्यादा होती है ठीक है लेकिन वेवलेंथ कम होती है शॉर्ट वेव होती सूरज से आने वाली तो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उनके बस की नहीं है लेकिन जब धरातल से किरणें टकरा के वापस जाती हैं तो दे कैन इजीली एब्जॉर्ब दीज रेडिएशंस और उसी की वजह से आपका कन्वेक्शन करंट स्टार्ट होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट ऑलवेज टेम्परेचर आपका सतह से बढ़ना शुरू होता है धरातल से बढ़ना शुरू होता है और ऊपर तक जाता है अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है उस हाइट तक जा नहीं पाएगा और इसीलिए वहां तक टेम्परेचर भी आपका नहीं बढ़ पाएगा दिस इज द मेन रीजन वाई द माउंट एवरेस्ट इज ऑलवेज स्नो कवर्ड नॉट माउंट एवरेस्ट इनफैक्ट अगर मैं किली की बात करूं वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर है ठीक है बट स्टिल वी हैव आइस कवर्ड पीक ऑफ किली किली की सतह चोटी पर भी है अच्छा सवाल मैं कई तरीकों से पूछ सकता हूं मैं में देखो, कैसे दे सकता हूं ठीक है मैं कुछ एक जनरल क्वेश्चन बना देता हूं ठीक है आपको देखो कुछ भी मैं सवाल जो है पूछ सकता हूं बस बात होनी चाहिए अदरवाइज नॉट अच्छा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों ठीक है ये तो क्योंकि मैं देखो सारा का सारा आपको मैं हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूं अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मैं पीडीएफ में नहीं कराऊंगा एक रिवीजन सेशन हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली जब ये टॉपिक मैं 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 खत्म कर दूंगा ना तो एक रिवीजन रिवीजन सेशन सेशन होगा में लिखूंगा नहीं उसके अंदर मैं पूरा का पूरा पीडीएफ स्लाइड से पढ़ाऊंगा आपका है ना मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए आपके ना अच्छा आप सभी को पता है दोस्तों यहां पर मेरे पास क्या है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ है ना मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप बताओ एक मैंने लोकेशन ले ली यहां पर ए एक मैंने लोकेशन ले ली यहां पर बी और एक मैंने लोकेशन ले ली यहां पर सी ठीक है एक मैंने लोकेशन यहां पर ले ली डी मैं आपसे क्या कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर के हिसाब से अरेंज करो मुझे बताओ टेंपरेचर ऑफ ए टेंपरेचर ऑफ बी टेम्परेचर ऑफ सी इधर लिखते हैं आपको बताना है टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी टेम्परेचर ऑफ सी और टेम्परेचर ऑफ डी ठीक है इसमें क्या रिलेशन होगी बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स आपका ही है ठीक है लिखो फटाफट देखते हैं जनरल क्वेश्चन दिमाग मत लगाना इसको सिर्फ लैटिट्यूड के माध्यम से करना ये जो क्वेश्चन है ना ये सवाल है और ये किसके ऊपर आधारित है सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड सिर्फ आपको लैटिट्यूड का फंडा लगाना है और कोई फंडा इसमें इस्तेमाल नहीं करना आपको मैंने चार लोकेशन दे दी एबीसीडी यू जस्ट हैव टू टेल मी कहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा कहां पर कम होगा फटाफट बताओ जल्दी से बताओ डी सी बी ए चलो इसको सवाल को देखो मैं आंसर दे देता हूं इसका देखो यार मैं पहले भी बोलता हूं मेरे पास ऐसा कुछ मैराथन तैराथन टाइप का ऐसा अपने पास नहीं है अपने पास कॉन्सेप्ट हैं ठीक है आप थोड़ा तसल्ली दिखाओ सारी चीज़ें मैं कराऊंगा है ना आराम से बैठो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो सब चीज़ें होंगी है ना जल्दबाजी का यहाँ कोई काम नहीं है यार है ना आपको सिखा के भेजूंगा मैं गारंटी ले रहा हूं अब देखो ये साढ़े तेईस डिग्री है तो यहां पर क्या होगा ज़ीरो डिग्री अब मैंने क्या बोला था अभी तो बताया था इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं दैट मींस वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड लैटिट्यूड टू द हायर डिक्रीज होगा तो इस हिसाब से सबसे पास कौन है इक्वेटर के डी उसके बाद कौन है सी तो पहले नंबर पर ये दूसरे नंबर पर इसके बाद है बी तीसरे नंबर पर और इसके बाद में क्या है दोस्तों ये है फोर्थ नंबर पर तो टेम्परेचर ऑफ डी इज ग्रेटर देन सी सी इज ग्रेटर देन बी एंड ऐसे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा डी का होगा बिकॉज डी इज मोर क्लोजर टू द इक्वेटर ठीक है यह तो था आपका लैटिट्यूड का फंडा नाउ कम टू द द नेक्स्ट पार्ट दैट इज उसका दल्टीट्यूड uh, का फंडा अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं किसके आधार पर आपका दोस्तों ऑल्टीट्यूड के आधार पर अच्छा एक बात बताओ माउंट एवरेस्ट कहां पर है माउंट एवरेस्ट कहां पर है माउंट एवरेस्ट थर्टी डिग्री नॉर्थ मान लो ठीक है किली मंजारो कहां पर है इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका तंजानिया में है माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया एंड द वर्ल्ड कहां पर है दोस्तों आपका नेपाल में क्लीमजारो कहां लग रहा है आपको जीरो डिग्री पर है तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं जीरो डिग्री पर तो हाई टेम्परेचर जोन है ना तो यहां तापमान जनरली पे हाई होना चाहिए बट बिकॉज ऑफ दी ऑल्टीट्यूड एंड बिकॉज ऑफ दशन करंट यहां पर ऑलवेज क्या होती बर्फ जमी रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेटर पे कभी आपको बर्फ नहीं मिलेगी नहीं इक्वेटर पे भी अगर इलाका हाइट पे है तो वहां पर भी आपको तापमान का प्रभाव तापमान पर प्रभाव देखने को मिल सकता है मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं टेम्परेचर अकेला एक चीज से कभी भी न, मत निकालना आप आप कभी भी सोचना मत कि एक चीज है आप जब भी मैं कहीं से आपसे ना तो आप वेरियस फैक्टर को एक साथ करके देखोगे अभी मैंने सिर्फ दो फैक्टर बताए अभी स्लोप कॉन्टीन्यूटी एयर करंट ओशन करंट ठीक है वेजिटेशन सॉइल ये सब मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको और कराने वाला हूं दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना आपको दोस्तों ये चार दिन चलेगा आपका जो मैंने पढ़ाया ना आपको अभी ये जो दो टॉपिक पढ़ाए हैं ना रिलेशन ये टेम्परेचर और इसका रिलेशन लैटिट्यूड का अल्टीट्यूड का ये टॉपिक अकेले चार दिन चलता है टेम्परेचर एक अलग से टॉपिक है आपका समझ रहे हो टेम्परेचर एंड हीट टेम्परेचर एंड हीट अलग से एक टॉपिक है हीट बजट अलग से एक टॉपिक है हीट इंसोलेशन एंड हीट बजट टेम्परेचर एंड हीट एक अलग से टॉपिक है तो अगर मैं बोलूँ तो ये अलग से दो टॉपिक है फिजिकल जोग्राफी के अंदर तो इतना तो मैं नहीं पढ़ाया बट हां मैंने इतना आपको कराया कि हाँ यू यू मस्ट है बेसिक आइडिया अबाउट द होल कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाऊं तो आपको समझ में आए चीजें ऐसा ना हो कि आपके सर से बाउंस जा रहा है कुछ भी तो वो नहीं होगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट जल्दी से बताओ फटाफट से ठीक है बाकी यार कोशिश है आपको मैं सही तरीके से सारी चीज़ समझा पा कि हाँ सबको तो मैं खुश नहीं कर सकता कुछ कुछ लोगों ग्रीव्यांश से जरूर रहेंगे बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट ठीक है बाकी शुभम थे चाहे शुभम मैं आप कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से मैं आपको डिसअपॉइंट ना करूं थोड़ा मैं अर्ली जल्दी मैं प्रयास करूंगा ठीक है जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपकी बात मानूंगा मैं आई ट्राई टू बी मोर पंचुअल ओके

टमोरो गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन द स्कीम जो स्कीम होती है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर एम सी क्यू का सेशन लेने वाला है क्विज में लेने वाला हूं सो so, सारे लोग आमंत्रित हैं सभी लोगों का मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि उस क्विज में आए ज्वाइन करें क्विज को ठीक है और देखे आप कहां स्टैंड कर रहे हैं कहानी कल ये क्विज होगी टाइम मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे के आसपास होगी 11 बजे के आसपास एक क्विज करूंगा ऑलमोस्ट hmm. 11 बजे मॉर्निंग जो करंट अफेयर का लेक्चर होगा उसमें आपको पता चल जाएगा क्विज में कब करने वाला हूं तो 11 बजे क्विज होगी और कल रात में अभी बता देता हूं मैं ठीक है जैसे ही लेक्चर ओवर होगा उसके आधे या एक घंटे के बाद में हम पॉलिटी का सेशन करेंगे ठीक है तो कल दो स्पेशल क्लास होगी स्पेशल क्लास में भी जुड़ो मेरे साथ तो उसके लिए अन ज्वाइन करो और उसके बाद आप चाहो तो अन सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो मैं आपको गाइड करूं मैं आपको पढ़ाऊं मेरे से और मेरे जैसे इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना यू जस्ट हैव टू गो एंड सब्सक्राइब दी एनअकेडमी है ना बहुत दोस्तों ऐसा नहीं है मुझे पता है कुछ कॉस्ट सबके लिए मायने रखती है बट लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना दोस्तों तो दो चीजें ये इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है या तो आप टाइम इन्वेस्ट करो आप लगे रहो पांच छह साल सेल्फ स्टडी करते रहो या आप क्या करो दोस्तों कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप एक साल में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो इन माई ओपिनियन टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम आर ऑलवेज देयर या समस्या हमेशा रहेंगी इट डिपेंड्स अपॉन अवर एटीट्यूड है ना वो सुना है ना आपने बहुत आसान सी छोटी सी कहावत है हमने सुना भी है जब बारिश आती है ना तो पक्षी आसियान ने ढूंढते हैं लेकिन बाज ना क्या करता है समस्याओं से ऊपर जोड़ता है आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है आप क्या करोगे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर बट क्या यहीं स्टक रहना चाहते हो या ये कुछ आप करना चाहते हो मैं नहीं कह आप ये अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन ही लो मैं नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि कुछ करो ठीक है सोच के आओ मन के अंदर रिजोल्व बनाओ तगड़ा अपने आप को बढ़िया करो स्ट्रांग बनाओ यार ठीक है आप कुछ बड़ा करने के लिए आयो इस धरती पे आप मिडियोकर लाइफ नहीं जीनी आपको अगर आपको जीनी है तो ठीक है कुछ कर नहीं सकता मैं लेकिन मैं क्या मानता हूं हर एक बंदे में एक अलग पोटेंशियल होता है उसको एक्सप्लोर करो इसको टैप करो इट्स योर ड्रीम ये आपका सपना है आपने देखा है यार घर वालों ने जबरदस्ती नहीं कि साढ़े दस बजे आप, आप मोबाइल को देख रहे हो अपनी आंखें फोड़ रहे हो आपका सपना है तब आप यहां आओ और अगर आपका सपना है ना तो आप ही को साकार करना यू हैव टू मेक इट रियलाइज सो सुगाइ कमर कसो अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है आइदर इट विल टेक योर टाइम और इट विल टेक सम ऑफ यूर मनी या तो पैसा लगेगा इन्वेस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी तो समय की या टाइम की और दूसरा हार्डवर्क आपको all the, all है, करना पड़ेगा बट अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हो दोस्तों मैं आपके साथ रहूंगा अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हो तो मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा दोस्तों दो वाले जितने भी बच्चे हैं जो अगर सोच रहे हैं दो में तैयारी करने की दोस्तों फुल फ्लेस्ड फाउंडेशनल कोर्स लेके आ रहा हूं पूरे एक साल का कोर्स सिर्फ मेरे साथ ठीक है मेरे साथ पूरे एक साल का कोर्स करोगे मेरे अलावा भी बाकी एजुकेटर की भी क्लास देख सकते हो बट अगर आपको लगता है मेरा तरीका आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट है ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो जुड़िए यार 2021 में कंप्लीट बैच में लेके आ रहा हूं फॉर ऑल ऑफ यू गाइज मिशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आईएस दो हजार मिशन आई एस बहुत जल्द मैं वाला हूं ठीक है डेट अनाउंस कर दी जाएगी बता दिया जाएगा बहुत जल्द जो यूपीएससी एस्पायरेंट है जो दो को टारगेट करके बैठे हैं दोस्तों उनके लिए अब समय दूर नहीं है

दे कैन कम एंड विद मी उसके लिए लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी सी एस सी गोल में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन ये सब्सक्रिप्शन नहीं है दोस्तों देखो हर बार पढ़ाई की थी तब भी स्कूल में फीस दी थी सरकारी स्कूल में पढ़े तो तो भी तो फीस दी थी ना कुछ तो देना पड़ता था ना सो दोस्तों ये वही होता है क्योंकि कोई भी संस्था जो है बिना फीस के नहीं चल सकती सेम गोज विद एन अकेडमी है ना तो आपको मानना पड़ेगा ये जितने भी यूट्यूब चैनल सब चल रहे हैं बिकॉज ऑफ वो जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हीं के पैसे से चलता है ठीक है आप नहीं लेना चाहते मत लीजिए बट मैं कह रहा हूं पढ़ाई कीजिए जबरदस्त तरीके से जो इंटरेस्टेड है जो समय बचाना चाहते हैं जो गाइडेंस जो बिल्कुल फोकस रहकर तैयारी करना चाहते हैं जिनको इधर उधर से कोई मतलब नहीं उनको अपना लक्ष्य यार एम प्यारा है उनके सामने है यार करो या मरो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डेडलाइन मिली हुई है पेरेंट्स से कि इस साल का समय अगले बार शादी कर देंगे स्पेशली द दे गर्ल्स गर्ल्स के ऊपर ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है बड़ा भार है मैं उन सभी को मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं मैं कहता हूं आइए मेरे साथ और एकदम टारगेटेड तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए ठीक है मैं गारंटी दे रहा हूं यू विल रॉक इट, आप इसको क्लियर करेंगे ठीक है आइए दोस्तों ज्वाइन कीजिए को और कोड कोड आपको क्या यूज़ यूज़ रखना है दोस्तों? यूज कर रहा है दोस्तों सुमित कीजिएगा ट्वेंटी फोर इंटू सेवन इंटू थ्री सिक्स डेज और आपको थ्रू आउट द प्रोसेस मैं खुद गाइड करूंगा सो so गाइज आइए फटाफट बिना किसी देरी के कम एंड ज्वाइन दिन बाई यूजिंग कोड सुमित टेन ठीक है ऑल ऑफ यू मैं इंतजार रहेगा मुझे आपका चलिए ना ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास थैंक यू वेरी मच गलती भूल चूक माफी दीजिए यार ठीक है किसी को बुरा लगा हो मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो ठीक है परंतु टीचर हूं ठीक है आपका अध्यापक हूं तो थोड़ा सा हक बनता है आपको डांट देने का आपको एक दो फटकार लगा देने का हमारे तो टीचर बहुत बुरी पिटाई कर दिया करते यार बहुत गंदी पिटाई हुआ करती हमारी ठीक है लेकिन आज नया टाइम है यार ठीक है सो कोई भी दिक्कत हो ठीक है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं बाकी थैंक यू वेरी मच आप आए और अगर सेशन पसंद आया आपको दोस्तों लाइक करना है शेयर करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो आठ बजे सुबह मेरे